अस्सलामु अलैकुम। चार बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बहुत तेज़ी से ज़मीन पर आना पड़ा। एक बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के नीचे थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जिब्राईल, खलील के आग में पहुंचने से पहले पहले फौरन मेरे खलील के पास जाओ। चुनांचे वह बहुत तेज़ी के साथ फौरन खलील के पास पहुँचे। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन अतहर पर छुरी रख दी गई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ छुरी चलने से पहले ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। वह छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गए और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डाला जा रहा था, तब वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचे और कुएं से एक पत्थर निकालकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर आराम से बिठा दिया। चौथी मर्तबा जब काफिरों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि फौरन ज़मीन पर पहुँचो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक का खून ज़मीन पर ना गिरने दो। और ज़मीन पर गिरने से पहले ही उन्होंने खून अपने हाथों में ले लिया। अस्सलामु अलैकुम।